Hello everyone, welcome to my channel Psycho Study. I am Nishu Rawal and in this channel you will get the informative and comprehensive videos of psychology honor courses of IGNU and I hope that you will like the content. So before jumping to the video, don't forget to subscribe to my channel and hit the bell icon. Hello everyone, तो इस वीडियो में BPCC 105 की यूनिट 1 के पार्ट 3 को स्टार्ट करेंगे. हमने फर्स्ट पार्ट में क्या गोल्स होते हैं साइकोलॉजिकल रिसर्च के, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो सब पढ़े थे. सेकंड पार्ट में हमने क्या स्टेप्स होते हैं साइकोलॉजिकल रिसर्च के वो हमने पढ़ा था. और उसमें हमने जो फोर्थ स्टेप पढ़ा था डेटा कलेक्शन, कि हमारे पास डेटा कलेक्ट करने के लिए बहुत सारी सैम्पलिंग टेक्निक्स होती हैं. तो वो सैम्पलिंग टेक्निक्स हमें इस पार्ट में कवर करनी है कि कितनी सैम्पलिंग टेक्निक्स होती हैं, क्या क्या मेथड होते हैं जिसके थ्रू हम अपने डेटा को, अपने सैम्पल को कलेक्ट कर सकते हैं. तो बिना देर लगे स्टार्ट करते हैं. और ये सैम्पलिंग टेक्निक्स हमें आगे जो चैप्टर है चैप्टर 7 उसमें भी सारी दोबारा से पढ़नी है. तो हम एक बार में पूरा क्लियर कर लेते हैं कि सैम्पलिंग टेक्निक्स क्या होती हैं और कितने टाइप्स की होती हैं. तो सैम्पलिंग टेक्निक्स मेनली हमारे पास दो कैटेगरी हैं कि हम दो तरीके से अपना सैम्पल कलेक्ट कर सकते हैं. पहली जो टेक्निक है वो है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और दूसरी है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. अब प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होती है? प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इन्वॉल्व्स रैंडमली सिलेक्टिंग अ सैम्पल फ्रॉम द पॉपुलेशन. ईच एलिमेंट और यूनिट हैज़ एन इक्वल चांस ऑफ बींग सिलेक्टेड. प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग वो सैम्पलिंग होती है जिसके अंदर हर इंडिविजुअल का, जो भी हमारी पॉपुलेशन है उसमें हर इंडिविजुअल के पास जो चांस होता है कि वो उस रिसर्च में पार्टिसिपेट कर सकता है. प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या हुआ? प्रोबेबिलिटी मीन संभावना, यानी कि हमारी जो भी जिनके ऊपर भी हम रिसर्च करना चाहते हैं, जो भी हमारी पॉपुलेशन है, जितने उसके अंदर इंडिविजुअल है सबके पास मौका होगा, सबके पास चांसेस हैं कि वो सिलेक्ट हो सकते हैं. इसमें जो रिसर्चर होता है उसकी बायसनेस कम होती है कि रिसर्चर अपनी पसंद से अपने मन से किसी को भी सिलेक्ट नहीं कर लेता. प्रॉपर जो है रैंडम मेथड होता है जिसके थ्रू हम लोग सिलेक्ट करते हैं, रिसर्चर सिलेक्ट करता है कि कौन हमारे रिसर्च में पार्टिसिपेट करेगा और सिलेक्ट होगा. और इसमें हर इंडिविजुअल के पास पूरा चांस होता है. इस वजह से इस टाइप की जो सैम्पलिंग होती है वो होती है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, जिसमें हर इंडिविजुअल का, हमारी पॉपुलेशन के जो भी हर एक इंडिविजुअल के पास चांस होता है कि वो सिलेक्ट हो सकता है. अब प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर हमारे पास बहुत सारे मेथड होते हैं. जैसे इसमें एग्जांपल दिया हुआ है कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग हम लोग यूज़ कर सकते हैं. प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या एक बड़ी टर्म है और उसके अंदर हमारे पास 3-4 मेथड्स आ जाते हैं जिसके थ्रू हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कर सकते हैं. जैसे हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग का यूज़ कर सकते हैं, क्लस्टर सैम्पलिंग का यूज़ कर सकते हैं. तो अभी हमने पढ़ा कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होती है. अब प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर कुछ टाइप्स आते हैं वो हम पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग. सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या है? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग वो मेथड है, द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ रैंडम सैम्पलिंग. ये सबसे प्योर फॉर्म है रैंडम सैम्पलिंग की. कैसे? द रैंडमली सिलेक्ट इंडिविजुअल्स फ्रॉम द इंटायर पॉपुलेशन. सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है कि हम बिल्कुल रैंडमली, कि हमने कोई लॉटरी मेथड यूज़ कर लिया, कि हमने एक बाउल लिया, उस बाउल में जितने भी इंडिविजुअल थे उन सबका नाम हमने लिखा या फिर रोल नंबर हमने लिखा. लेट्स सपोज कि एक क्लास है, एक क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है. अब मेरी जो रिसर्च है वो क्या है कि मुझे एक क्लास के, 9th क्लास के सभी स्टूडेंट्स के ऊपर रिसर्च करनी है. तो 9th क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हो गए वो सब क्या हो गए? मेरी पॉपुलेशन, ठीक है. मैं पूरी पॉपुलेशन के ऊपर तो रिसर्च अपनी कर नहीं सकती, मुझे उन 100 में से एटलीस्ट 50 स्टूडेंट्स चाहिए जिनके ऊपर मैं अपनी रिसर्च करूँगी. तो अब मैं वो 50 स्टूडेंट्स को कैसे सिलेक्ट करूँगी? तो मैंने यहाँ पे क्या करा कि मैंने सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का यूज़ करा, ठीक है. मैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का यूज़ करूँगी कि मैं अपनी पसंद से किसी को चूज़ नहीं करूँगी कि मेरे को जो सही लग रहे मैंने उनको ले लिया अपनी रिसर्च में. मैं एक प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक यूज़ करूँगी कि भाई हर किसी के पास मौका है मेरी रिसर्च में पार्टिसिपेट होने का, ठीक है, पार्टिसिपेट करने का. और मैं उस प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का यूज़ करूँ कि मैंने जो है एक बाउल लिया, उस बाउल में जितने भी स्टूडेंट्स हैं 100 स्टूडेंट्स सबकी जो चिट्स थी वो बना करके मैंने उस बाउल में डाली और जिसका भी रोल नंबर बारी बारी आता जा रहा है मैंने 50 तक काउंट करा, 50 चिट्स निकाली और जिसका भी उसमें नाम है या रोल नंबर है उनको मैंने अपनी रिसर्च में सिलेक्ट कर लिया. अब तो रिसर्चर को पहले से नहीं पता था कि किसका रोल नंबर आ सकता है, किसका नाम आ सकता है रिसर्च में या फिर उस बाउल में किसकी चिट हो सकती है. तो इसमें क्या बिल्कुल हर पर्सन के पास मौका था कि वो सिलेक्ट हो सकता है और हमने बिल्कुल रैंडमली सिलेक्ट करा है. इस वजह से ये क्या है? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग. कि इसमें हम बल्कि सबसे प्योर फॉर्म है रैंडम सैम्पलिंग की सबसे प्योर फॉर्म है और इसमें हर पूरी इंटायर पॉपुलेशन को हम जो है पार्टिसिपेट करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस में और हम उसमें से कुछ अपने पार्टिसिपेंट्स को सिलेक्ट करते हैं. तो ये हो गया हमारा सिंपल रैंडम सैम्पलिंग. अब प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में दूसरा तरीका क्या होता है? सिस्टमैटिक सैम्पलिंग. सिस्टमैटिक सैम्पलिंग जैसे नाम से समझ में आ रहा है कि हम कुछ ना कुछ इसमें सिस्टमैटिक अपनी प्रोसेस, अपनी अप्रोच यूज़ करेंगे. तो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में सिंपली क्या होता है? सैम्पल एवरी nth एलिमेंट, कि एवरी 10th पर्सन की. मान लो मैं वही हम पहले वाला एग्जांपल लेते हैं कि 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, सबके ऊपर रिसर्च करनी है हमें, तो मेरे को अपना सैम्पल कलेक्ट करना है. अब मैं क्या कर रही हूँ? मैं बाउल वाला मेथड यूज़ नहीं कर रही, मैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का यूज़ नहीं कर रही हूँ. मैं क्या कर रही हूँ? मैंने एक लिस्ट बनाई है जिसमें सभी 100 स्टूडेंट्स का नाम है रोल नंबर वाइज और मैंने क्या करा है कि हर सेकेंड या फिर हर 10th स्टूडेंट को मैंने सिलेक्ट करा है. जब तक मेरे टोटल पार्टिसिपेंट्स नहीं हो जाते मैंने हर सेकंड स्टूडेंट को, कि पहले 2 रोल नंबर जिसका उसको सिलेक्ट करा, फिर 4 रोल नंबर को सिलेक्ट करा, फिर 6 को सिलेक्ट करा, ऐसे मैंने कोई भी एक रैंडम nth टर्म सिलेक्ट करी है कि मैं या तो 10th हर 10वें पर्सन को मैं सिलेक्ट करूँगी या फिर हर दूसरे पर्सन को मैं सिलेक्ट करूँगी या फिर हर तीसरे पर्सन को मैं सिलेक्ट करूँगी. और इस तरीके से मैं सिस्टमैटिक वे में पूरी अपनी सैम्पलिंग, पूरा अपना सैम्पल कलेक्ट करूँगी.
तो ये हो गया सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। अब ये भी नॉन प्रोबेबिलिटी है इधर भी कि हर पर्सन के पास चांस है कि वो सिलेक्ट हो सकता है, क्योंकि हम पहले से रिसर्चर को नहीं पता कि किसका रोल नंबर क्या है या फिर कौन जो है हर सेकंड टर्म में आएगा नहीं आएगा। तो ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है ये भी, और प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के लिए हमने कौन सा मेथड यूज़ करा है, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। हमने मेथड यूज़ करा है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। अब तक हमने पढ़ा कि दो तरीके की सैम्पलिंग टेक्निक्स होती है हमारे पास ब्रॉडली, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर हमारे पास पांच टेक्निक्स हैं। पहली हमने पढ़ी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, दूसरी हमने पढ़ी सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, अब थर्ड है हमारे पास स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग वो सैम्पलिंग मेथड है, डिवाइड द पॉपुलेशन इनटू सब ग्रुप्स, सब ग्रुप्स को हम क्या बोलेंगे स्ट्रेटा, बेस्ड ऑन सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, फॉर एग्जांपल जेंडर और रेस। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में क्या होता है कि मेरी जो भी पॉपुलेशन है उसको मैं छोटे छोटे ग्रुप्स में जो है डिवाइड कर दूंगी उनके सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर। मान लो मेरे को रिसर्च करनी है, हम पहले वाला एग्जांपल लेते हैं 9th क्लास के स्टूडेंट्स, ठीक है। अब क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं, अब उसमें बॉयज़ भी हैं गर्ल्स भी हैं। अब मान लो कि मैं सिलेक्शन कर रही हूँ, मैं सैम्पल कलेक्ट कर रही हूँ, हो सकता है कि उसमें ज़्यादा मेल्स हो जाएँ या फिर कम फीमेल्स हो जाए, या फिर सारे मेल्स ही आ जाएँ बाई मिस्टेक, ठीक है। तो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में क्या होगा, मैं उनको ग्रुप्स में डिवाइड कर दूंगी, ठीक है। मैं जो भी मेरा सैम्पल जो भी पॉपुलेशन है पूरी पॉपुलेशन को मैंने छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, और फिर क्या करूँगी उन हर एक ग्रुप में से, मान लो 100 स्टूडेंट्स थे तो मैंने 10 ग्रुप बना दिए उनके सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर, कि मैंने जेंडर के बेसिस पर उनको अलग अलग ग्रुप में डाल दिया या फिर उनकी एज के बेसिस पर उनको अलग अलग ग्रुप में डाल दिया, ठीक है। ऐसे मैंने कुछ छोटे छोटे ग्रुप्स बना दिए, टोटल 10 सब ग्रुप्स बना दिए मैंने। अब उन सब ग्रुप्स को हम लोग बोलेंगे स्ट्रेटा, उन सब ग्रुप्स को हमने बोला स्ट्रेटा। अब हम क्या करेंगे, सैम्पल फ्रॉम ईच सब ग्रुप टू एनश्योर रिप्रेजेंटेशन, कि अब मैं क्या करूँगी जो मेरे पास 10 सब ग्रुप्स हैं सब में से कुछ कुछ पार्टिसिपेंट्स को हम लोग कलेक्ट कर लेंगे। मेरे पास 10 सब ग्रुप्स हैं, अब इन 10 सब ग्रुप्स में से मैंने दो दो स्टूडेंट्स ले लिए, दो दो या फिर तीन तीन हर ग्रुप में से। तो मैंने जितने भी जिस बेसिस पर पूरा सैंपल को डिस्ट्रीब्यूट करा था, तो अब क्या हुआ मेरे पास हर कैटेगरी का हर कैरेक्टरिस्टिक का एक एक या फिर दो दो पार्टिसिपेंट्स हैं। इस वजह से जो मेरा सैंपल होगा वो ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव होगा, उसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होगी, क्योंकि इसमें सारी पॉपुलेशन के हर एक कैरेक्टरिस्टिक हैं। तो ये होता है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, कि हम कुछ स्ट्रेटाज में सब ग्रुप्स कुछ सब ग्रुप्स में अपनी पॉपुलेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, फिर उन सब ग्रुप्स में से हम सैंपल अपना कलेक्ट करते हैं हर ग्रुप में से। तो ये हो गया स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। फोर्थ है इसमें हमारा क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग थोड़ा थोड़ा स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग जैसा ही होता है, बस डिफरेंस क्या होता है इसमें, क्लस्टर सैम्पलिंग में हम लोग क्या करते हैं दोबारा से कुछ क्लस्टर्स में कुछ ग्रुप्स में अपने सैंपल को अपनी पॉपुलेशन को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। कि हमने 10 क्लस्टर्स बनाए, 10 ग्रुप्स बनाए अपने पॉपुलेशन के, हमने कुछ रैंडम कुछ सब ग्रुप्स बना दिए अपने पॉपुलेशन के, क्लस्टर्स बना दिए। अब क्या करेंगे सिलेक्शन के टाइम पे, कि अब मैं हर क्लस्टर में से हर ग्रुप में से कुछ स्टूडेंट्स को कुछ पार्टिसिपेंट्स को सिलेक्ट नहीं करूँगी, बल्कि मैं एक या दो पूरे क्लस्टर ही कलेक्ट कर लूँगी। कि मैंने जो है 100 पार्टिसिपेंट्स थे, 100 का मेरा पॉपुलेशन थी, 100 की पॉपुलेशन थी, मैंने 10 जो है क्लस्टर्स बना दिए। अब मैं क्या करूँगी कि मैंने उनमें से दो पूरे ही क्लस्टर्स को ले लिया, कि मैंने दो या तीन पूरे के पूरे क्लस्टर्स को उठा लिया और बाकी क्लस्टर्स को छोड़ दिया। तो वो क्या हो गया क्लस्टर सैम्पलिंग, कि मैंने पूरा का पूरा एक ग्रुप उठाया है, ठीक है, पूरी एक कैटेगरी उठा ली। जबकि स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में क्या था कि हमने सब ग्रुप्स में डिवाइड करा था और हर ग्रुप से कुछ कुछ पार्टिसिपेंट्स को लिया था। और क्लस्टर सैम्पलिंग में क्या है कि मैंने इसमें भी ग्रुप बनाए, कुछ सब ग्रुप्स बनाए, लेकिन एक पूरे ग्रुप को ही मैंने लिया और बाकी ग्रुप्स को छोड़ दिया, उसमें से कोई पार्टिसिपेंट सेलेक्ट नहीं करा। तो ये डिफरेंस है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग और क्लस्टर सैम्पलिंग में। क्लस्टर सैम्पलिंग में हम पूरे के पूरे क्लस्टर को कलेक्ट करते हैं, हम पूरे क्लस्टर को लेते हैं अपनी सैम्पलिंग टेक्निक में। तो ये था क्लस्टर सैम्पलिंग, और स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग और क्लस्टर सैम्पलिंग का डिफरेंस भी आई होप कि आपको समझ में आया हो, कि स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में हम स्ट्रेटास बनाते हैं, यानी कि कुछ सब ग्रुप्स बनाते हैं, उनके जो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके बेसिस पर हम कुछ सब ग्रुप्स बनाते हैं, और हर सब ग्रुप में से हम कुछ कुछ पार्टिसिपेंट्स को सिलेक्ट करते हैं, बराबर पार्टिसिपेंट्स को सिलेक्ट करते हैं, कि दो दो पार्टिसिपेंट हमने हर ग्रुप से सिलेक्ट करें। तो ये हो गया स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। जबकि क्लस्टर सैम्पलिंग में क्या होगा कि हम इसमें भी ग्रुप्स बनाएंगे, कुछ क्लस्टर्स बनाएंगे उनके सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर, फिर हम क्या करेंगे कि पूरे क्लस्टर को उठा लेंगे। ये हो गया हमारा क्लस्टर सैम्पलिंग। लास्ट है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में फिफ्थ, मल्टी स्टेज रैंडम सैम्पलिंग। अब है हमारे पास फिफ्थ, मल्टी स्टेज रैंडम सैम्पलिंग। मल्टी स्टेज रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है कि हम लोग सैम्पलिंग टेक्निक्स का यूज़ करते हैं, बहुत सारी सैम्पलिंग टेक्निक्स का यूज़ करते हैं, मल्टीपल सैम्पलिंग टेक्निक्स का, और अलग अलग स्टेजेस पर। ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बड़ी हो उस टाइम पर। फॉर एग्जांपल कि मान लो हमें अपने पूरे स्टेट में के जो स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर रिसर्च करनी है, ठीक है, पूरे स्टेट के एडोलेसेंट्स के ऊपर रिसर्च करनी है, एडोलेसेंट्स के ऊपर या फिर अडल्ट्स के किसी बिहेवियर के ऊपर हमें रिसर्च करनी है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, रैंडमली सिलेक्ट दी सिटीज़। सबसे पहले हम रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक का यूज़ करेंगे और सिटीज़ को सिलेक्ट करेंगे कि हमें अपनी स्टेट में से कौन कौन सी सिटीज़ को सिलेक्ट करना है अपने रिसर्च में। देन रैंडमली सिलेक्ट नेबरहुड्स विद इन दो सिटीज़, ठीक है, फिर हम कुछ नेबरहुड्स को सिलेक्ट करेंगे, या फिर जो है पहले हमने सिटी ली, फिर सिटी
फिर हमने कुछ डिस्ट्रिक्ट्स लिए, फिर उसके अंदर हमने जो पार्टिसिपेंट्स लिए, पार्टिसिपेंट्स को भी हमने जेंडर में, मेल फीमेल में, या फिर उनके क्लस्टर्स हमने कुछ बनाया, या फिर हमने स्टेटास बनाए हैं. तो हमने सारी ही सैम्पलिंग टेक्निक्स का यूज़ करा है और अलग अलग स्टेजेस पर. ये होता है मल्टी स्टेज रैंडम सैम्पलिंग में कि हम बहुत सारी रैंडम सैम्पलिंग का यूज़ करेंगे, बहुत सारी सैम्पलिंग का यूज़ करेंगे और अलग अलग स्टेज पर अलग अलग सैम्पलिंग का यूज़ करेंगे. तो ये हो गया मल्टी स्टेज रैंडम सैम्पलिंग. तो अब तक हमने पढ़ी है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर हमने 5 सैम्पलिंग टेक्निक्स पढ़ी हैं. फर्स्ट हमने पढ़ी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सेकंड थी हमारी सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, थर्ड थी हमारी स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, फोर्थ क्लस्टर सैम्पलिंग और लास्ट हमने फिफ्थ पढ़ी मल्टी स्टेट रैंडम सैम्पलिंग. तो ये हो गई हमारी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, जिसमें हर इंडिविजुअल के पास, पॉपुलेशन के हर एलिमेंट के पास या यूनिट के पास चांस होता है कि वो हमारी सैम्पलिंग टेक्निक में, सैम्पलिंग प्रोसेस में सेलेक्ट हो सकता है, वो भी एक सैम्पल बन सकता है. और इसमें जो बायसनेस होती है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, इसका एक फ़ायदा होता है. नेक्स्ट जो हमारे पास सैम्पलिंग टेक्निक है वो है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होता है? प्रोबेबिलिटी के ऑपोजिट, कि इसमें नॉट स्ट्रिक्टली रैंडम. यूनिट्स आर चूजन बेस्ड ऑन कन्वीनियंस और जजमेंट. यहाँ पर जो हम सैम्पल सिलेक्ट करते हैं वो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, ठीक है, और अपनी जजमेंट के, अपने बायसनेस के हिसाब से सिलेक्ट करते हैं, या फिर जिस तरीके की हमारी रिसर्च है उसके अकॉर्डिंग हम सिलेक्ट करते हैं पार्टिसिपेंट्स को. तो यहाँ पर जो रिसर्चर है उसकी बायसनेस, उसके थॉट्स, उसकी जजमेंट, ठीक है, ये सब आ सकते हैं. नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हम रैंडमली सिलेक्ट नहीं करते कि कोई भी हमारी रिसर्च में पार्टिसिपेट कर सकता है, सबके पास इक्वल चांस नहीं होता. अब नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर हमारे पास जो है 5 मेथड्स आते हैं इसके अंदर भी. जैसे फर्स्ट है इसमें हमारा कन्वीनियंट सैम्पलिंग. कन्वीनियंट सैम्पलिंग क्या होती है? सर्विंग पीपल यू कैन ईजिली एक्सेस, एग्जाम्पल फ्रेंड्स, कलीग्स, ठीक है. तो कन्वीनियंट सैम्पलिंग, जैसे नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग हम सैम्पलिंग करते हैं. कि मान लो हम आपको कॉलेज से कोई रिसर्च प्रोसेस, रिसर्च आपको करनी है, आपके कोर्स में है कि आपको रिसर्च करनी है. अब आपको क्या करना है कि आपको सैम्पल कलेक्ट करना है. तो आप जो है सैम्पल कलेक्ट कैसे करोगे? कि आप जो बोल रहे हो अपने आसपास के लोगों को, अपने फ्रेंड्स को, या फिर अपने कलीग्स को, या फिर अपने क्लासमेट्स को आप बोल रहे हो कि प्लीज़ मेरा रिसर्च फॉर्म फिल कर दो, ठीक है, मेरा जो ये फॉर्म है इसको फिल कर दो, अगर आप ये क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हो. तो आपको जो मिल रहा है आप उससे फिल करवा रहे हो. तो ये होगी कन्वीनियंस सैम्पलिंग, कि आपको जो भी पर्सन मिल रहा है जो उस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है उससे आप फिल करवा दे रहे हो. वो क्या कन्वीनियंस सैम्पलिंग. सेकेंड हो गया वॉलंट्री सैम्पलिंग. वॉलंट्री सैम्पलिंग में आता है कि जब जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो खुद से चाहते हैं रिसर्च में पार्टिसिपेट करना. वॉलंट्री सैम्पलिंग में आप उनसे अपना रिसर्च फॉर्म फिल करवाओगे, उनको सैम्पलिंग प्रोसेस में अपना सैम्पल बनाओगे जो कि खुद से पार्टिसिपेट करना चाहते हैं आपकी रिसर्च में. जैसे कि बहुत सारे गूगल फॉर्म्स होते हैं, है ना, और बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया पर भी लोग अपना फॉर्म जो है अपलोड कर देते हैं कि जो भी इस क्राइटेरिया को फुलफिल करता है और इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है अपनी मर्जी से इस रिसर्च प्रोसेस में, तो वो इसको फिल कर सकता है, ठीक है, और हमारा सैम्पल बन सकता है. तो यहाँ पर जो वॉलंटरी पार्टिसिपेट करेंगे सैम्पल, जो इंडिविजुअल्स आपकी रिसर्च प्रोसेस में, आप उनको फोर्स नहीं करोगे, आपने सिर्फ अपना गूगल फॉर्म डाला है, ठीक है, और जिसको पार्टिसिपेट करना है वो कर सकता है, जिसको नहीं करना है वो नहीं कर सकता. जैसे कुछ ऑनलाइन पोल्स हो गए, ठीक है, कलेक्टिंग रिस्पॉन्सेज फ्रॉम दोज हु चूज टू पार्टिसिपेट, जो खुद से पार्टिसिपेट करना चाहते हैं आप उनसे जो है सैम्पल अपना कलेक्ट करवा रहे हो. तो ये भी हो गया हमारा नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर आ गया हमारा कन्वीनियंट सैम्पलिंग फर्स्ट, सेकंड हो गया वॉलंटरी सैम्पलिंग, थर्ड है इसमें हमारा जजमेंट सैम्पलिंग. जजमेंट सैम्पलिंग में क्या है? हैंड पिकिंग पार्टिसिपेंट्स बेस्ड ऑन एक्सपर्टीज, एग्जाम्पल इंटरव्यूइंग इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स. जजमेंट सैम्पलिंग में क्या आएगा कि जजमेंट सैम्पलिंग में जो रिसर्चर होगा उसकी बायसनेस का रोल होगा, ठीक है, वो खुद से जज करेगा, इंटरव्यू करेगा कि भाई कौन मेरी रिसर्च में पार्टिसिपेट कर सकता है या फिर नहीं कर सकता, कौन मेरी सैम्पल, कौन जो इंडिविजुअल ऐसा है जो मेरी रिसर्च में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल रहेगा, वो रिसर्चर के ऊपर बेस्ड करता है. तो यहाँ पे रिसर्चर क्या है, वो जज करेगा अपने पार्टिसिपेंट्स को, सैम्पल को. इस वजह से होगी हमारी जजमेंट सैम्पलिंग, कि वो खुद से डिसाइड करेगा कि ये पार्टिसिपेंट ठीक रहेगा मेरी रिसर्च में या फिर नहीं. जैसे इसमें एग्जांपल दिया हुआ है इंटरव्यूइंग इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, कि जितने भी इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं, ठीक है, मान लो मेरी को रिसर्च है वो मैं एक्सपर्ट्स के ऊपर कर रही हूँ, तो मुझे पहले देखना पड़ेगा कि जो भी इंडिविजुअल मेरे पास है, जो भी पॉपुलेशन है, उसमें कौन एक्सपर्ट है, कौन इंडस्ट्री एक्सपर्ट है, तो मैं पहले उनका इंटरव्यू लूँगी या फिर कोई और मेथड में यूज़ करूँगी जिससे मैं उन्हें सिलेक्ट कर सकूँ. तो ये हो गया जजमेंट सैम्पलिंग. तो इसमें भी ये भी नॉन प्रोबेबिलिटी है. नॉन प्रोबेबिलिटी क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट है, जो रिसर्चर है, वो पार्टिसिपेंट्स को सिलेक्ट करेगा, उसकी बायसनेस का रोल होगा, और हर किसी के पास इक्वल चांस नहीं है सिलेक्ट होने का. तो ये हो गया जजमेंट सैम्पलिंग. फोर्थ है इसमें कोटा सैम्पलिंग. कोटा सैम्पलिंग जो है थोड़ा बहुत रिलेटेड है क्लस्टर सैम्पलिंग से. कोटा सैम्पलिंग में क्या होता है? सेट कोटास फॉर स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, एग्जाम्पल एज, जेंडर, एंड सैम्पल अकॉर्डिंगली. कोटा सैम्पलिंग में क्या होता है कि इसमें भी आप क्या करते हो, आपकी जो पॉपुलेशन है, ठीक है, आप पॉपुलेशन को आपने कुछ कैटेगरी में डिवाइड कर दिया. आपने बोला भाई मेरी रिसर्च में मुझे चाहिए 50 मैन और 50 वुमेन, और उसमें आपने एज ग्रुप भी बता दिया. मतलब यहाँ पे आपने क्राइटेरिया सेट कराया पहले कि मुझे 50 मैन चाहिए और 50 वुमेन चाहिए विद इन एन एज ग्रुप ऑफ 18 to 24, 25 to 34, 35+. ये आपने एज क्राइटेरिया भी बता दिया. अब आपके पास जितनी भी पॉपुलेशन आ रही है जो इस क्राइटेरिया को फुलफिल करती है कि भाई वो 18 to 24 या फिर 25 to 34 के एज के हैं, आप सबको सेलेक्ट करते जा रहे हो.
अब ये डिफरेंस क्या हो गया इसमें कि इसमें आप लोग ने पहले से क्राइटेरिया डिसाइड करा हुआ है, ठीक है, आपने क्राइटेरिया एक बनाया हुआ, उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जो भी फुलफिल होता जा रहा है उसको आप सिलेक्ट करते जा रहे हो। अब ये नॉन प्रोबेबिलिटी में क्यों है कोटा सैम्पलिंग, क्योंकि यहाँ पर आपने पहले से एक क्राइटेरिया फिक्स करा हुआ है कि भाई जो भी मेल है, ठीक है, जो भी मेल है और जिसकी एज 18 to 24 है या फिर 25 to 34 है, कोई भी अपने एज क्राइटेरिया खुद से अपने अपने बायसनेस लगा करके या फिर जैसे भी आपकी रिसर्च है उसके अकॉर्डिंग आपने क्राइटेरिया बनाया कि मुझे सिर्फ इतने से इतनी एज तक के मेल्स या फिर फीमेल्स चाहिए मेरी रिसर्च में, अगर आपकी एज इससे कम है या ज़्यादा तो आप सिलेक्ट नहीं हो सकते, तो हर इंडिविजुअल के पास चांस नहीं है कि वो पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। तो मैं सिर्फ अपना क्राइटेरिया फुलफिल करूँगी कि मुझे सिर्फ 50 मैन चाहिए, 50 वुमेन चाहिए और इस एज ग्रुप के चाहिए, अगर है तो आप सिलेक्ट हो सकते हो, अदरवाइज नहीं हो सकते। इस वजह से ये क्या होता है कोटा सैम्पलिंग, ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर आता है, क्योंकि आप इसमें क्राइटेरिया फुलफिल आपको करना होता है, आपने कोई खुद से अपनी मर्जी से कोई कोटा सेट करा हुआ है स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स का और वो उसके अकॉर्डिंग आप सैम्पलिंग अपनी कर रहे होते हो जब तक वो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो जाता। ये हो गया कोटा सैम्पलिंग। नेक्स्ट है फिफ्थ, आएगा इधर फाइव नंबर आएगा, फिफ्थ है हमारे पास स्नोबॉल सैम्पलिंग। अब स्नोबॉल सैम्पलिंग क्या होती है, आपने वो डायलॉग सुना होगा कि आपको 3 लोगों की मदद करनी फिर वो 3 लोगों की मदद करेंगे, तो ऐसे चैन चलती जाएगी, एक चेन बनती जाएगी, वही होता है स्नोबॉल सैम्पलिंग में कि आप अपने एक पार्टिसिपेंट को अपना रिसर्च फॉर्म दोगे, फिर उससे बोलोगे कि आप जितने भी लोगों को जानते हो जो मेरी रिसर्च में पार्टिसिपेट कर सकता है, मेरे क्राइटेरिया को फुलफिल करता है, आप उसको अपनी आप उसको ही रिसर्च फॉर्म सेंड कर सकते हो और उनको भी बोल सकते हो कि वो और भी रिसर्चर्स को और भी जो पार्टिसिपेंट्स को पार्टिसिपेट करने को बोले, तो ये हो जाती है स्नोबॉल सैम्पलिंग। स्नोबॉल क्यों बोल रहे हैं कि मान लो आप एक पहाड़ पर हो, ठीक है, एक हिल स्टेशन पर हो, बहुत ऊंचे पहाड़ पर हो, वहाँ से आपने छोटी सी एक स्नोबॉल ऊपर पहाड़ से नीचे की तरफ फेंकी, ठीक है, तो अब क्या होगा कि वो स्नोबॉल जैसे ही नीचे आती जाएगी तो उससे और ज़्यादा स्नो जो है वो उसके साथ जुड़ती जाएगी और वो जो छोटी सी आपने स्नोबॉल बनाई थी वो लास्ट तक आते आते बहुत बड़ी एक स्नोबॉल बन जाएगी। तो यही होता है इस वाली टेक्निक में कि आप एक पार्टिसिपेंट को या एक से दो पार्टिसिपेंट्स को अपनी रिसर्च के बारे में बताते हो, उनको बोलते हो कि वो आपकी रिसर्च में पार्टिसिपेट करें और फिर जब वो पार्टिसिपेट कर लेते हैं तो फिर आप उनसे बोलते हो कि वो और भी स्टूडेंट्स को और भी जो उनके फ्रेंड्स हैं या फैमिली मेम्बर्स हैं वो उनको भी कलेक्ट करें, ठीक है, उन तक हमारी रिसर्च को पहुँचाएं और वो उनसे कहे कि वो हमारी रिसर्च में पार्टिसिपेट करें, इस तरीके से आपका पूरा सैंपल कलेक्ट होता है। तो ये हो जाती है स्नोबॉल सैंपलिंग। जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, स्टडिंग अ रेयर कंडीशन बाय आस्किंग पेशेंट्स टू रेकमेंड अदर्स हु हैव द सेम कंडीशन, कि मान लो आप कोई डिजीज़ है, कोई डिसऑर्डर है, उसके ऊपर रिसर्च करना चाहते हो, अब आपको कुछ पेशेंट्स तो मिल गए जिनको ऐसी कोई डिसऑर्डर था या कोई बीमारी थी, ठीक है, अब आपके पास ज़्यादा आपको सैंपल नहीं मिल रहा है तो आप उन जो पेशेंट्स हैं उनको बोल सकते हो कि भाई देखो मेरे को 10 पेशेंट्स मिले हैं बट मुझे 50 कंप्लीट करने हैं अपनी रिसर्च के लिए, मेरा सैंपल 50 का है, तो आप अपने और भी किसी आप किसी हॉस्पिटल में किन्हीं पेशेंट्स को जानते हो तो उनको उन तक मेरी रिसर्च पेपर को पहुंचा सकते हो, ठीक है, उनसे पूछ सकते हो कि वो मेरी रिसर्च में पार्टिसिपेट करें, इस रिसर्च फॉर्म को फिल कर दें, तो इस तरीके से आपके जो सैंपल है वो कलेक्ट होगा। तो ये हो गई स्नोबॉल सैंपलिंग। और ये नॉन प्रोबेबिलिटी में क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पर जो भी पार्टिसिपेंट्स एक दूसरे को जानते होंगे सिर्फ वही सिलेक्ट हो सकते हैं, ठीक है, हर किसी के पास तो चांस नहीं है, आप जिसको जानते होंगे या फिर आपके आपका जो पार्टिसिपेंट है, जो आपने एक पार्टिसिपेंट सिलेक्ट करा है वो उसके जो आसपास के फ्रेंड्स हैं या फिर जो उसके फैमिली मेंबर्स से सिर्फ वही सिलेक्ट हो सकते हैं जिनको वो जानता है, तो इधर बायसनेस आ गई, इस वजह से ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आ गया। तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हमने पढ़ी कन्वीनियंट सैम्पलिंग, कि आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग जो आपको मिल जाता है कि हाँ भाई ये इतनी एज का है, ठीक है, और ये मेरे रिसर्च फॉर्म को फिल करने के लिए तैयार है, तो आप उसको मनाओगे, आप उसको जो है रिक्वेस्ट कर सकते हो कि भाई मेरा रिसर्च फॉर्म फिल कर दो, जो कॉलेजेस में स्कूल्स में मतलब मेनली कॉलेजेस में स्टूडेंट्स हम लोग करते हैं कि हमें अपना कोर्स पूरा करना है, हमें रिसर्च पेपर फिल करवाना है, अपनी डिसर्टेशन या फिर अपनी जो रिसर्च है वो पूरी करनी है, तो उसके लिए हम लोग दूसरे अपने क्लासमेट से बोलते हैं कि हमारा रिसर्च पेपर फिल कर दो, तो वो हो जाती है कन्वीनियंस सैम्पलिंग, कि हमारे आसपास के जो लोग हैं उन्हीं से अपना रिसर्च पेपर फिल करवा रहे हैं। दूसरा हो जाता है वॉलंटरी सैम्पलिंग, भी जो पार्टिसिपेट करना चाहता है कर सकता है, मैंने अपनी स्टोरी पर या फिर किसी सोशल मीडिया ऐप पर अपनी जो गूगल फॉर्म था रिसर्च फॉर्म है उसको अपलोड कर दिया, जो पार्टिसिपेट करना चाहता है कर सकता है। थर्ड थी जजमेंट सैम्पलिंग, कि मैं इंटरव्यू लेकर के अपने पार्टिसिपेंट्स को सिलेक्ट करूँगी, कि मैं खुद से देखूंगी कि हाँ भाई कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं जो बहुत ऊंचाई पर है, जो 10 टॉप इंडस्ट्रीज़ होगी, मैं सिर्फ उनके ऊपर रिसर्च करूँगी, तो मैं पहले वो 10 टॉप इंडस्ट्रीज़ को चूज़ करूँगी, वो हो गया जजमेंट सैम्पलिंग। फोर्थ हो गया कोटा सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग में क्या होगा कि पहले मैं कोई क्राइटेरिया बनाऊंगी कि भाई मुझे सिर्फ 50 मेल्स चाहिए या फिर 50 फीमेल्स चाहिए और उसमें भी उनकी पर्टिकुलर एज ये होनी चाहिए, ठीक है, 18 to 25 तक की एज होनी चाहिए, सिर्फ उन्हीं लोगों के ऊपर मैं अपनी रिसर्च करूँगी, फिर आपके पास जितनी पॉपुलेशन आती जाती है सबको सिलेक्ट करते जाते हो, एक बकेट को एक तरीके से फिल करते जाते हो कि जब मेरा क्राइटेरिया फुलफिल हो जाएगा फिर मैं बाकी सबको छोड़ दूंगी, मुझे सिर्फ वो क्राइटेरिया फुलफिल करना है। तो ये हो गया कोटा सैम्पलिंग। लास्ट हो गई स्नोबॉल सैम्पलिंग। स्नोबॉल सैम्पलिंग में हमने पढ़ा कि स्नोबॉल सैम्पलिंग क्या होती है, कि जिसमें आप एक पार्टिसिपेंट को बोलोगे कि भाई वो और पार्टिसिपेंट्स को जोड़े अपने साथ, तो ये हो गया स्नोबॉल सैम्पलिंग। तो इसी के साथ हमारी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स यहीं पर कवर होती है।
आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो, सारे टॉपिक समझ में आए हो। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर हमने 5 टेक्निक्स पढ़ी थी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक के अंदर हमने 5 मेथड्स पढ़े थे। आई होप कि आपको सारे क्लियर हो, अच्छे समझ में आए हो। और कोई भी क्वेरी होती है कॉमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं और अपना फीडबैक दे सकते हैं। और वीडियो में अब तक बने हुए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।